योगियों के परम गुरु हैं। भगवान हमें श्राप मिली, सातवें दिन तक्षक नामक नाग काटेगा, हम मर जाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं। बस एक बात जानना चाहते, मृियमाणस्य किम कर्तव्यम्, जो इसको मरना है उसका कर्तव्य क्या है, बस ये बता दो। ध्यान से सुनना, बहुत अद्भुत कथा है महाराज, अगर बता ही रहे तो जरा विस्तार पूर्वक बता देना आप। हे सुखदेव जी, योगियों के परम, योगी नाम परमम गुरु, ये भी बता देना, सुनना क्या चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। महाराज, भजन किसका करना चाहिए, जीव का कर्तव्य क्या है, आप जरा विस्तार। महाराज, मैं निवेदन करूं, जिसकी मृत्यु सातवें दिन निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए, बस इतना बता। और ये प्रश्न राजा परीक्षित का नहीं है ना, ये हम सबका प्रश्न है, क्योंकि हमारी आपकी सबकी मृत्यु सात दिन के अंदर ही होती है, चाहे मंगलवार को मरो या बुधवार को, गुरुवार को मरो या शुक्रवार को, मरना सात ही दिन के अंदर है। अब स्पेशल तुमने आठवां बना लिया हो तो राम जी जाने, बोलो सीताराम, मरना सात दिन के ही अंदर, तो मरना सन्न व्यक्ति का भगवान धर्म क्या है, आप विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के प्रश्न सुनकर के बहुत प्रसन्न भई सुखदेव जी, और प्रथम श्लोक जो बोला ना, वास शुरू किया, वरियाने ते कृष्ण क्रतो लोक हितो नृप आत्मविद सम्मता पुंसा श्रोतव्या दिशुया परा। वाह राजन, क्या गजब के प्रश्न किए आपने। अब पहला अक्षर जो सुखदेव जी के मुख से निकला वो वाह अक्षर निकला, वाह, वरी आने सते प्रश्न, वाह क्यों भाई, जो खाओगे वही निकलेगा, मूली खाओगे तो मूली की ही डकार आएगी, प्याज खाओगे तो प्याज की ही दुर्गंध आएगी। तो सुखदेव परमहंस हैं पर आप सदैव ब्रह्म तत्व में लीन रहते, तो जो पहला अक्षर निकला वो वाह, और वाह ब्रह्म शब्द है, इसलिए पहला अक्षर ही ब्रह्म शब्द निकला सुखदेव जी के मुख से। राजन बड़े प्यारे प्रश्न किए, पहला प्रश्न क्या था, मरणासन्न प्राणी का कर्तव्य क्या है। राजन, मरणासन्न प्राणी का कर्तव्य है भगवान को पाना। महाराज, दूसरा प्रश्न, किसका भजन करें, गोविंद का। महाराज, जीवन में श्रवणीय क्या है, भगवान और संतों की कथा ही श्रवणीय है। और चौथा प्रश्न क्या था, जिसकी मृत्यु सातवें दिन निश्चित हो गई हो उसे क्या करना चाहिए, तो बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले जिसकी मृत्यु सातवें दिन निश्चित हो गई हो, यानी हम, हमारा आपका सबका प्रश्न है, जिसकी मृत्यु सातवें दिन निश्चित हो गई हो उसे हर पल गोविंद के गीत गा करके भगवान को अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। खूब, बड़ा प्यारा प्रसंग महाराज परीक्षित को सुनाया सुखदेव जी ने, और कथा यहीं पर प्रारंभ हो। विदुर संवाद को भी बड़े विस्तार पूर्वक सुनाया। विदुर जी कौरव पक्ष में धर्म के रूप में थे, याद रखना, घर में जब तक एक धर्मात्मा रहेगा घर का विनाश नहीं होगा। हाँ, रावण के राज्य में जब तक विभीषण रहे तब तक रावण का विनाश नहीं हुआ, और कौरव पक्ष में जब तक विदुर जी महाराज रहे तब तक कौरवों का विनाश नहीं हुआ, और जिस दिन विभीषण जी छोड़कर आ गए तो रावण भी समूल विनाश कर चुका, रावण का भी विनाश हो गया, और कौरव पक्ष से विदुर जी छोड़कर आ गए तो कौरवों का भी विनाश हो गया। क्यों? क्योंकि विदुर जी धर्म है, और याद रखना मेरे पागलों, जीवन में एक व्यक्ति धर्मात्मा हो, वैसे तो होना सब चाहिए, पर घर में अगर कोई धर्मात्मा हो, पूजा पाठ वाला हो, तो उसे टोको मत, उसे रोको मत, करने दो पूजा, जितना भजन वो कर रहा है करने दो, और उसका साथ दो। हम ये भी निवेदन करें, अगर तुम साथ नहीं दे सकते तो उसका विरोध मत करो, वरना तुम्हारा हित नहीं होगा।
बहुत से लोग स्वयं तो भगवान की भक्ति करते हैं, कई तो हम देखते हैं बागेश्वर धाम, सब तो आते नहीं, जो आते हैं उनकी भी छठरी के बल। साधु जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, धर्म बहुत आवश्यक, नितांत आवश्यक, नितांत आवश्यकता सनातन की है।